गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सीमा और आज मैं अपने पुराने ज्वेलरी को रीयूज करने वाली हूँ। हम सभी के पास पुराने ज्वेलरी तो होते ही हैं जो कि अब हम उसे यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि या तो वो हमें ऑड लगने लगता है या फिर उसके डिज़ाइंस पुराने हो जाते हैं। तो हम उसे किस तरीके से यूज कर सकते हैं ये आज मैं बताने वाली हूँ। चलिए तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी पुरानी नेकलेस को लेंगे और उसके जो ये पार्ट्स होते हैं ना छोटे, जो भी आपको अच्छा लगे उसे आप पहले अलग कर लीजिए। अब हम इस तरह के रिंग लेंगे, एक रिंग या हुक भी आप बोल सकते हैं। इसे आप अपने स्टोन्स को एक दूसरे से जोड़ सकते हैं। अब सारे स्टोन्स को इसी तरीके से एक दूसरे से जोड़ दें। आप जितना चाहो उतना लंबा बना सकते हो। अब हमारे पास इस तरह के चैन तो होते ही हैं। चैन को स्टोन से जोड़ देंगे और इसे दोनों साइड से जोड़ना है। अब हमारा नेकलेस बन गया है। आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा लग रहा है। ऐसा लग नहीं रहा है कि हाँ ये पुराने नेकलेस से बना हुआ है। अब हम इससे मैच करता हुआ कोई सा भी इयररिंग पहन लेंगे। अब इसके लिए हमें अपनी पुरानी कोई सी भी इयररिंग ले लेनी है, उसके ऊपर वाले जो हुक होता है उसे निकाल देना है, एक बैंगल लेना है और उसमें ये इयररिंग को अटैच कर देना है। अब आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। आप अपना ड्रेस से मैच करता हुआ एक बैंगल लेंगे और आपको गोल्डन कलर की डोरी लेनी है और उसे धागे से अटैच कर देना है। बैंगल में आप इसे गांठ बांध के अटैच कर दें और यही सेम प्रोसेस आपको दूसरे साइड भी करना है, मतलब दोनों धागे को एक दूसरे के साइड बांध देनी है, बिल्कुल इस तरह से। अब आपका बेल्ट बन गया है, बस इसे दोनों तरफ से लेकर और पीछे में बांध लें। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।